हाय फ्रेंड्स, मैं पूजा होम शेफ भवानी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो ये बिल्कुल झटपट बन जाएगी और टेस्ट में एकदम लाजवाब। आपका समय भी कम लगेगा और टेस्ट बिल्कुल हटके आएगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, कम समय में अच्छा टेस्ट। तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और ये देखिए, ये पिंडी छोले मैंने एकदम झटपट तैयार किए हैं। ज़्यादा ऐसा कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं है जो आपके किचन में नहीं होगा, सब कुछ आपके किचन में मौजूद है। और ये जीरा राइस जो मैंने बिना तड़के के बनाए हैं, पर देखने में एकदम तड़के वाले लग रहे हैं और पूरा फ्लेवर इसमें मसालों का एकदम अच्छा आया हुआ है। ये तो चलिए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो हम छोले बनाना शुरू करते हैं। ये पिंडी छोले के लिए मैंने लिए हैं ये 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, 2 मीडियम प्याज लिए हैं और 1 अदरक का टुकड़ा लिया है और 2 हरी मिर्च लिए हैं। और अब हम इन टमाटर को और प्याज को मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। आप चाहें तो इनको फाइनली चॉप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने प्याज का पेस्ट बना लिया है मिक्सी में पीस कर, और ये मैंने टमाटर भी मिक्सी में पीस लिए हैं। आप चाहें तो इनको फाइनली चॉप भी कर सकते हैं चॉपर में, जैसे आपको पेस्ट चाहिए, जैसे आपको ग्रेवी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और यहाँ मैंने ये हरी मिर्ची को बीच में चीरा डालकर ऐसे 2 टुकड़े कर लिए हैं, और ये मैंने अदरक को बारीक लच्छे, अदरक के बारीक लच्छे बना लिए हैं। तो बिल्कुल बाहर जैसा बनाना है, इसलिए हम इसी तरीके से हरी मिर्ची और अदरक के लच्छे बना लेंगे। तो अब हम यहाँ पर छोले के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं, जो अब हमें मसाले चाहिए उसमें। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 टीस्पून चना मसाला, आप कोई भी चना मसाला ले सकते हैं। एक चम्मच धनिया पाउडर, यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून आमचूर पाउडर। अगर आपके पास में अनारदाना है तो आप अनारदाना भी 1 चम्मच ले सकते हैं। यहाँ पे मैं 1/4 हल्दी पाउडर ले रही हूँ, 1/2 चम्मच मैं देगी लाल मिर्च ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिए 250 ग्राम छोले, और ये बड़े वाले छोले हैं, और मैंने इनको लगभग 12 घंटे के लिए भिगो दिया था, और ये फूल चुके हैं। इनका साइज़ देखिए, ये बड़ा हो गया है, और भी बड़ा हो गया है। तो चलिए अब हम छोले चावल की जो शादी में बनते हैं पिंडी वाले छोले, वही बनाने जा रहे हैं पुलाव के साथ। तो चलिए हम तड़का लगाते हैं अब छोले में। यहाँ पर मैंने छोले में तड़का लगाने के लिए प्रेशर कुकर लिया है, और ये मीडियम हीट पर गरम कर लिया मैंने। अब इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया, अब इसमें डाल रहे हैं 1/2 चम्मच जीरा, ये 2 तेज पत्ते डाले हैं मैंने इसमें, 3 से 4 लौंग डाली है, और ये 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। अब ये मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो गए, अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। हमारे फ्राई अच्छे से भुन गए थे, तो हमने इसमें डाल दिया प्याज का पेस्ट जो हमने मिक्सी में पीसा था, और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, क्योंकि अगर हमें छोले बढ़िया बनाने हैं एकदम बाजार की तरह शादी पार्टी में जो बनते हैं वैसे पिंडी छोले बनाने, तो हमें अपनी प्याज को अच्छे से भूनना पड़ेगा, क्योंकि जितने अच्छे से हमारी प्याज फ्राई होएगी उतना ही बढ़िया टेस्ट हमारे छोले में आएगा। प्याज को भूनने में ज़्यादा जल्दबाजी ना करें कि हाई फ्लेम पर फटाफट प्याज को फ्राई करें तो बड़ा फटाफट से सब्जी में तड़का लगा दें। हमें अगर प्याज को भूनना है बाजार जैसे बिल्कुल पिंडी वाले छोले बनाने हैं, तो प्याज को मीडियम लो फ्लेम पर बहुत आराम से हिलाते हुए इसको भूनें, ताकि इसका फ्लेवर जो है अच्छे से आए, अच्छे से भुन जाए और टेस्ट हमारा छोले का बहुत बढ़िया आए।
ये देखिए हमारा प्याज आधा भुन चुका है, और जब आपको लगे कि ये लगने लगा है नीचे तले पर तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल दें, और उसके बाद इसको पानी को अच्छे से मिक्स करके और फिर उसको भुनने दें। और अब हम इसमें डालेंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट, और अब इसको अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे प्याज के पेस्ट में, और इसको अभी और लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि ये अदरक लहसुन का कच्चापन जो होते स्मेल होते वो भी निकल जाए और ये पेस्ट भी अच्छे से भुन जाए। यहाँ देखिए अभी मेरी प्याज अच्छे से भुनी नहीं है, पर ये जल ना जाए इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। लगभग 2 चम्मच मैंने पानी डाला, और अब इसको अच्छे से मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी। अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर, अभी हमने टमाटर का पेस्ट इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसमें डालेंगे नमक। यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच नमक डाल रही हूँ, 1.5 टीस्पून। हमें जितना भी सब्ज़ी में नमक चाहिए उतना हम इसमें डाल देंगे, और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये देखिए टमाटर से हमारा जो ऑयल है सरसों का तेल वो अलग हो गया, इसका मतलब हमारे टमाटर पक चुके हैं। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने ये मसाले बनाए थे, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर, ये सभी हम मसाले इसमें मिक्स कर देंगे अब, और इसको भी 2 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे। और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये टमाटर वाला ये जो कटोरी थी इसमें हमने पेस्ट रखा था उसी में हमने थोड़ा पानी डाल के इनसे मसाले में डाल दिए ताकि मसाले हमारे अच्छे से फ्राई हो जाए, जले नहीं। आधा कटोरी पानी में और ऐड कर रही हूँ अच्छे से मसाला भूनने के लिए। अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे जब तक तेल इसमें से अलग ना हो जाए, मसाले में से तेल अलग हो जाएगा तो हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा। और ये देखिए हमारे जो मसाला अच्छे से फ्राई हो गया, भुन चुका है, इसमें से ऑयल जो है ऊपर आ गया है। मसाला भुनने का एक यही तरीका है कि हमें कैसे पहचान आएगी कि मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, तो ये देखिए इसमें से जो ये तेल होता है ये ऊपर आ जाता है, मसाला अलग हो जाता है, तेल अलग हो जाता है, यही पहचान है कि हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने छोले। तो ये छोले जो मैंने अच्छे से धोकर और इसमें पानी रखा हुआ था भिगोए हुए थे ये मैंने डाल दिया है, और अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। रखना कि हमें छोलों में इतना पानी नहीं रखना कि वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाए, सिर्फ उतना ही पानी रखना कि जस्ट छोले से टच करते हुए छोले से इतना ऊपर हो पानी, इतना बस, ज़्यादा डूबे ना छोले, नहीं तो हमारे छोले में वो टेस्ट नहीं आएगा जो हमें चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक रेस्टोरेंट वाले छोलों का सीक्रेट बताने जा रही हूँ कि उनके आखिर छोले में क्या सीक्रेट होता है कि उनका छोले का कलर टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो ये देखिए ये मैंने एक उसमें पतीले में लगभग 1 गिलास पानी लिया है, 1 गिलास से थोड़ा कम है, और इसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया। और अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भर के, 2 छोटी चम्मच होती है ना टीस्पून, वो भर के चाय पत्ती। और ये चाय पत्ती हमें जब डालनी है जब हमारा पानी अच्छे से उबल जाए। और ये देखिए ये चाय पत्ती वाला पानी हमारा अच्छे से कड़ चुका है, बहुत अच्छा कलर आ गया इसमें। और अब हम इसको डायरेक्टली अपने जो छोले हैं इसमें हम डालेंगे छलनी से छान कर। ये बिल्कुल हमारे छोले वैसे ही बनेंगे जैसे रेस्टोरेंट में बनते हैं,
शादी पार्टी में बनते हैं, वही टेस्ट वही टेक्सचर। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट्स है रेस्टोरेंट वाले छोले का जो सीक्रेट है वो है ये खाने वाला सोडा, मीठा सोडा जो होता है जिसे बोलते हैं बेकिंग सोडा, वो हम इसमें ऐड करेंगे लगभग आधा चम्मच, आधा छोटा चम्मच। और ये देखिए ये हमारे छोले इसको हमने अच्छे से कर लिया मिक्स। इससे हमारे छोले एक बहुत ही बढ़िया तरीके से गल जाएंगे, टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। तो चलिए अब हम इसको करते हैं इसका ढक्कन बंद और लगभग इसमें 5 से 6 सीटी आने देते हैं। ये हमने ढक्कन बंद कर दिया है और 5 से 6 सीटी लगने के बाद, और आप अपने हिसाब से देख लेना कि छोले आपके कैसे कितनी सीटी में गल जाते हैं अच्छे से, तो आप थोड़ा अपने हिसाब से देख लेना, पर मैं इसमें लगभग 5 से 6 सीटी फुल फ्लेम पर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने जीरा राइस बनाने के लिए ये बासमती चावल लिया है, ये लगभग आधा किलो चावल है और मैंने इसको अच्छे से धो लिया है और मैं इसको लगभग 15 से 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दूँगी। ये देखिए मैंने चावल को भिगो के रख दिया है, जब तक हमारे छोले तैयार हो रहे हैं सीटी निकलेगी, हमारे चावल अच्छे से फूल जाएंगे और फिर हम डायरेक्ट बिना तड़के के आप जीरा राइस बनाएंगे और बिल्कुल एकदम झटपट बन जाते हैं, फटाफट बन जाते हैं, कोई बिल्कुल टाइम नहीं लगता, तड़का तुड़का लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बिना तड़के के भी बिल्कुल तड़के वाले जीरा राइस की तरह लगेंगे। और ये देखिए सीटी हमारी लगभग 4 से 5 सीटी मैंने आने दी थी और फिर मैंने सीटी निकाल दी है कुकर की। और अब हम ढक्कन खोल के देखते हैं, और ये देखिए ये हमारे छोले बिल्कुल तैयार हैं। अभी हमारा इसमें एक स्टेप और रहता है, अभी ये बिल्कुल अच्छे से तैयार नहीं है। और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि छोले हमारे गल चुके हैं अच्छे से, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसमें डालते हैं भुनी हुई कसूरी मेथी डालते हैं अभी हम इसमें। और बस इसमें एक लास्ट तड़का रहता है जो इसको बिल्कुल एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाएगा और शादी वाले पिंडी छोले की तरह टेस्ट देगा। तो चलिए अब हम अपने तड़के की तैयारी करते हैं। एक कढ़ाई में, या आपके पास अगर तड़का पैन हो तो आप उसमें तड़का लगा सकते हैं, मैं इस कढ़ाई से ही तड़का लगा रही हूँ। यहाँ मैंने लगभग 2 छोटे चम्मच सरसों का तेल डाला है और अब मैं इसको अच्छे से पकाती हूँ। यहाँ हमारा सरसों का तेल अच्छे से गर्म हो गया, ये देखिए इसका कलर एकदम लाइट हो गया है। तो मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है, तड़का लग जाए हमारा। अब इसमें हम डाल देते हैं ये अदरक के लच्छे और ये हरी मिर्च। लग रहे ना बिल्कुल पार्टी वाले छोड़ ले जो शादी में बनते हैं एकदम। अब जो हमने अदरक के लच्छे और हरी मिर्ची थी वो हमने इसमें तड़का लगा दिया है और ऊपर से हम डाल देते हैं ये हरा धनिया और ये लीजिए ये हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल पिंडी छोले तैयार हैं। और ये देखिए इसका टेक्सचर कितना अच्छा है और ये खाने में उतने ही टेस्टी और वही टेस्ट आएगा जो आपको रेस्टोरेंट में छोले और पुलाव के साथ आता है। अब चलिए हम अपना पुलाव बनाते हैं, बिना तड़के वाला, झटपट बनने वाला और वो उसे भी बनने में
मात्र 10 मिनट ही लगते हैं। चलिए हम अपना पुलाव तैयार करते हैं। ये देखिए लगभग 20 मिनट हो गए हैं और ये हमारे चावल अच्छे से फूल गए हैं। ये देखिए इसमें एक वाइट वाइट लाइन सी आ गई है। और अब हम इसे डायरेक्ट, क्योंकि हम बिना तड़के वाले जीरा राइस बना रहे हैं तो इसीलिए हम इसमें डायरेक्ट हम इसे कुकर में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये हमने अपने चावल डाल दिए और अब हम इसमें अपने सारे साबुत मसाले डालेंगे। ये मैं यहाँ पे 2 तेज पत्ते ले रही हूँ, 4 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची। बड़ी इलायची का मैंने यहाँ से थोड़ा सा मुंह खोल लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल। लगभग 1 चम्मच हम यहाँ पे डालेंगे जीरा। एक चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे। पानी हमें इतना लेना है कि चावल को छूते हुए रहे और उससे थोड़ा सा ऊपर, चावल से लगभग इतना ऊपर हमें पानी लेना है। ज़्यादा पानी नहीं लेना है, नहीं तो चावल हमारे बिल्कुल गले गले बनेंगे और चिपके चिपके बनेंगे। और अगर हम सिर्फ चावल से इतना पानी ऊपर लेंगे तो वो चावल एकदम खिले खिले बनेंगे। तो ये लीजिए हमारे ये बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसमें सीटी लगाने के लिए कुकर को ढक्कन बंद करके गैस पर रख देते हैं। तो ये लीजिए मैंने गैस को ऑन करके कुकर रख दिया है और अब हम 1 सीटी आने का वेट करेंगे। ये इसमें 1 सीटी आ गई है और अब हम इसकी जो सीटी है वो निकाल देते हैं और प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल के देखते हैं हमारे जीरा राइस बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए एकदम खिले खिले हमारे जीरा राइस बने हैं। ये देखिए बिना तड़के के बिल्कुल वैसे ही जैसे शादी पार्टी में बनते हैं। इसका एक एक दाना एकदम खिला खिला है। ये देखिए चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। तो ये लीजिए ये हमारे एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल पिंडी छोले और हमारा जीरा राइस बिल्कुल तैयार है। और ये जीरा राइस लग रहा है कि बिना तड़के के बनाया है हमने, लेकिन ये हमने बिना तड़के के बनाया और बिल्कुल फ्लेवर टेस्ट तड़के वाला ही आएगा और एकदम झटपट बन जाएगा। आपका तड़का लगाने का टाइम बच जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आप इस तरीके से अगर पिंडी छोले और जीरा राइस बनाते हैं तो आप यकीन मानिए आपको वही टेस्ट आएगा जो रेस्टोरेंट में आता है। और घर पर आप इंजॉय कीजिए इस पिंडी छोले और जीरा राइस को और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी और कितनी पसंद आई।